हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं लेके आया वो आपको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों को साइंस पढ़ते वक्त बोर हो जाते हैं, तो या आपका ये इंटरेस्ट आपको आज मैं बढ़ा के रहूँगा। तो अगर आपको मैं पूछूँ कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, तो शायद आप आंसर देंगे एलिफेंट, हाथी। और सबसे छोटी चीज़ क्या है, तो आप आंसर देंगे चींटी। तो चले देखते हैं क्या है सबसे छोटी और क्या है सबसे बड़ी, और हम कौन कितने बड़े हैं एंड हम कितने छोटे हैं, या हमसे कितनी चीज़ है वो बड़ी है, कौन कौन सी चीज़ हमसे बड़ी है, कौन कौन सी चीज़ हमसे छोटी है, उसके बारे में। तो आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, तो आपको मैं वेबसाइट में गूगल में सिर्फ टाइप करना है यहाँ से htwins। तो htwins टाइप करते ही उसकी जो फर्स्ट लिंक है htwins.net वाली, उस पर आप क्लिक करना है, या आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं htwins.net। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ उनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपको जो देख रहा है वहाँ पे देखो, द स्केल ऑफ द यूनिवर्स 2। तो स्केल है ये टाइप की, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो कितनी बड़ी है, हमसे कितनी बड़ी है, उसके बारे में। तो आपको सिर्फ जो वो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, द स्केल ऑफ द यूनिवर्स, उस पर आपको सिर्फ क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ से, आप कोई भी लैंग्वेज अपनी चूज कर लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हो ये हमारा स्केल है, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ स्केल क्या है। तो यहाँ से अगर ये स्केल देखो, यहाँ से पकड़ के अगर मैं राइट साइड जाऊँगा तो सारी चीज़ें बड़ी कौन कौन सी है वो आएगी, एंड लेफ्ट साइड में चला जाऊँगा तो आएगा कि छोटा से छोटा क्या है उसके बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्सल में या हमारे जो दुनिया है, वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, जो भी बोलो, उसमें छोटे से छोटी चीज़ कौन सी है। आपने तो अभी क्या बताया था, चींटी बताया था, तो आपको दिखाता हूँ कि सबसे छोटी कौन सी है। तो मैं यहाँ से देखो, नीचे वाला कर्सर है जो लाइन है वो मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो लेफ्ट साइड में लास्ट में लेके जाता हूँ। तो ये है क्या है, ये तो प्लैंक लेंथ है। तो प्लैंक लेंथ क्या है उसके बारे में आपको गूगल में सर्च करना है। तो क्या होगा कि प्लैंक लेंथ के बारे में आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि क्या है ये प्लैंक लेंथ। तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली थोड़ा बहुत चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो इसका जो प्लैंक लेंथ लिखा है उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो प्लैंक लेंथ लिखा है उस पर क्लिक करने के बाद उसके बारे में थोड़ा बहुत आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो प्लैंक लेंथ के बारे में। अ प्लैंक लेंथ इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, देयर इज ऑल्सो अ प्लैंक टाइम विच इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक लाइट टू ट्रैवल वन प्लैंक लेंथ इन अ वैक्यूम, यानी कि लाइट के डिस्टेंस के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो आपको यहाँ से तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप सिंपली गूगल में जाके प्लैंक लेंथ लिखेंगे तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये प्लैंक लेंथ है क्या, ओके। चलो सबसे छोटी तो देख ली, अब हम सबसे बड़ी चीज़ देख रहे थे कि कौन सी है। तो हमें शायद कुछ लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है वो आप देखना गूगल में कौन से है, तो सिंपली टाइप कर देना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो उसके बारे में बहुत सारा डेटा आ जाएगा निकल के, आप पढ़ सकते हैं, ओके। और ये मैं बता दूँ कि ये जो वेबसाइट है ये आपको फोन्स एंड्रॉयड फोन्स में भी ओपन हो जाएगी अच्छे से, लेकिन अगर आप लैपटॉप में ओपन करते हैं तो अच्छे से आपको हर एक चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, आपने क्या बोला था, चिंटी। देखो चिंटी कहाँ पे है, और इसका जो साइज है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन 10^-2.1 है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा 10^-2.1 क्या होता है। तो मैं बता दूँ तो 1/100 समथिंग होता है उसकी, इनकी इसकी लेंथ होती है 1/100। और यह देखो यहाँ पे आंट है, उसके बारे में हम राइट साइड चलते हैं तो आंट से बड़ा क्या है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स है, यहाँ पे कॉमन अर्थ,
यहाँ पे देखो मैच स्टिक भी है, मैच स्टिक है, चिकन एग है, फिर उसके बाद देखो जो बड़ा है वो उसके बारे में बात कर, उसके बाद बास्केटबॉल आता है, यहाँ पे इंच रूलर आती है, ये रहा हमारा हाथी। हाथी की हाइट या हाथी कितना बड़ा है, 10:0.1। ओके, तो आपको अगर इसके बारे में पता चलना लगाना है तो यहाँ से देख सकते हो, 10:1.2 है, सॉरी 10:1.2 है। और ये 5 मीटर है। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एलिमेंट, ओनली 3 स्पेसिफिक ऑफ एलिफेंट रिमेन। उसके बारे में, एलिफेंट के बारे में दिखाया है, वो तो हमें बताए क्या क्या है एलिफेंट के बारे में, लेकिन हम कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। ये रहे हम हुमन, देखो यहाँ से ये रहे हम हुमन। तो हुमन के बारे में, उसकी 1.7 मीटर उसका लेंथ है, यानी कि 1.7 मीटर समथिंग, 5.5 फीट होता है, 5.5 फुट समथिंग उतना होता है। लेकिन यहाँ पे देखो हमसे भी बड़ा ये सनफ्लावर है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, हमसे भी बड़ा है ये सनफ्लावर। ये सनफ्लावर, हम 1.7 मीटर है एंड सनफ्लावर है 2.5 मीटर, हमसे भी बड़ा है। फिर आगे हम चले जाते हैं, बड़ा कौन से एलिमेंट है। यहाँ से देखो वेल भी है, यहाँ पे वेल भी है, फिर बोइंग 747 भी है। ओके, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है, यहाँ पे एफिल टावर है, टाइटेनिक है, टाइटेनिक के लेंथ के बारे में भी आप पता सकते हैं, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, फिर पिरामिड है। ओके, आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात वो है कि आपको जिसके बारे में अगर पता लगाना है उस पर सिर्फ क्लिक ही करना है कि क्या है। तो यहाँ पे देखो पाम जलेबी अली, ये दुबई में आया है आई थिंक, तो इसका क्या है 8 किलोमीटर्स है इसका रीजियन पूरा, तो ये यहाँ पे आता है 10:4.3 मीटर। तो यहाँ पे यूनिवर्स स्केल में ये थोड़ा बहुत बड़ा है, बीच में से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आता है यूनिवर्स स्केल में। माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। फिर आता है, फिर अब आ गए हम हमारे अर्थ पे। अर्थ कहाँ पर है, ये रही हमारी अर्थ। तो अर्थ कितनी बड़ी है उसके बारे में हम देख सकते हैं यहाँ से, अर्थ 1.27 × 10⁻⁷ मीटर्स। तो ऊपर, इसके ऊपर हम देखा है आपको कि किलोमीटर में दिया है, देख सकते हो, तो 12,700 किलोमीटर्स बड़ी है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। ओके, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं, उससे बड़ा अर्थ है, यहाँ पे वेनस भी है, वेनस अर्थ से छोटा है। फिर उसके बाद चले जाते हैं, यहाँ पे फिर से वापस आ गए थे, याद पे देखो अर्थ है, अर्थ एशिया हमारा ये रहा, एशिया के बाद अर्थ बड़ा है। उसके बाद आता है सैटर्न, जुपिटर भी हमसे बड़ा है। एंड यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, तो यहाँ पे क्लिक करो, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून कितना है, 3,80,000 किलोमीटर है। हमसे मून कितना दूर है, 3,80,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर। फिर अल्फा द सन, सन भी हमसे बड़ा है, उसके बारे में आप उसके जो भी है आपको बारे में आपको पता चल लगाना है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ओके, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंड्रा टू सन, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आप यहाँ से कुछ भी ये स्केल को धीमे धीमे आप धीरे धीरे यहाँ से राइट साइड ले जाएंगे तो सब कुछ जो बड़ी से बड़ी चीज़ है वो दिखाई देगी। यहाँ से देखो लोकल ग्रुप है, तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो उसका डिस्टेंस देखो आप 9.34 × 10⁶, ये तो बहुत ही बड़ा है। अब हम बीच में फिर से आ जाते हैं और छोटी चीज़ देखते हैं,
यहाँ पे हम ह्यूमन है, हमसे छोटी कौन सी है देखते हैं, यहाँ पे डोडो बर्ड है, स्केल है, हमसे छोटी छोटी जो चीज़ है। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी आएंगे, यहाँ पे देखना कहीं पर दिखाई देते हैं, वो भी आएंगे, वो बहुत ही छोटे, हमें पता है उसकी लेंथ क्या है। यहाँ पे ये रहा हमारा डीएनए, देखो डीएनए कितना छोटा है, यहाँ से दिखाई नहीं देता अच्छे से, लेकिन 10^-8 समथिंग दिखाई देता है। जो भी हो, आप डीएनए के बारे में सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डीएनए पे आ जाएंगे। फिर हम बात आगे देखते हैं क्या है, ए अल्फाबेडिक्स ने, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम के बारे में पता कर सकते हैं, हाइड्रोजन के बारे में पता, तो यहाँ से देख सकते हो हाइड्रोजन कितना बड़ा छोटा है, छोटा है, तो हाइड्रोजन की 31 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को 3.1×10^-11 मीटर बोल सकते हैं, तो -11 यानी कि आप 3.1 के डिनोमीटर में 10^11 रखना है, यानी कि 10 के पीछे 11 जीरो रखने हैं, तो कितना होगा आप सोच सकते हो कितना छोटा हो सकता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से गूगल में सर्च करना तो आप अच्छे से मालूम पड़ जाएगा आपको कि ये एक्चुअली है क्या और कितना बड़ा है, क्या होता है इससे। ओके, तो ये हाइड्रोजन पे हम आ गए हैं। उसके बाद ये क्या है, गामा रेज है, देखो वेवलेंथ गामा रेज है। उसके बाद यहाँ से यूरेनियम, हीलियम, नीलियम, जो भी एलिमेंट होते हैं, फिर केमिस्ट्री के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं इसमें। ये सबसे छोटी प्लैंक लेंथ है, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चलता है कि ये क्या है, लेकिन आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। यूरेनियम भी गया, कार्बन एटम देखो यहाँ से यहाँ पर है, इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये रहा है बंकी बॉल, आपको शायद केमिस्ट्री में आता होगा बंकी बॉल के बारे में, जो नैनो ट्यूब है उसके बारे में, यहाँ पे बंकी बॉल के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो अच्छे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो इस वेबसाइट पे आप आओ और देखो कि हमसे कौन कौन है जो हमसे बड़े हैं, कौन कौन है जो हमसे छोटे हैं, और उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले कि क्या क्या है इसमें, तो आप अच्छे से अपना इंटरेस्ट है जो साइंस में आप बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।